नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। मथुरा के राधा रानी महल में बरसे लड्डू, उड़ा अबीर गुलाल, पंडा नृत्य देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। परकोटा निर्माण को ध्यान में रखते हुए रामलला के दर्शन मार्ग पर किया गया डायवर्जन। राम मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक में कार्य की प्रगति और भावी योजनाओं पर हुआ मंथन। 6 अप्रैल से आरंभ होगी अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा। 28 अप्रैल तक होने वाली परिक्रमा कारसेवकपुरम से होगी आरंभ। सम्मिलित होंगे हजारों संत। लिथियम के भंडार से भारत बनेगा अमीर। कीमत 3 लाख करोड़ से अधिक। प्रोडक्शन कामयाब रहा तो खाड़ी देशों जैसा धनी होगा भारत। अभी 10 देशों से लिथियम आयात करता है भारत। अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले बना रिकॉर्ड। 6 माह में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। जनवरी 2024 में बनकर तैयार होगा मंदिर। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने ट्रक से बरामद किए 18 गौवंश। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार, 4 आरोपी फरार। यूपी के सहारनपुर में फर्जी मदरसा चलाकर छात्रवृत्ति हड़पने वाले गिरोह का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। सपा चेयरमैन प्रत्याशी नईमुल हक है गिरोह का सरगना। यूपी के बुलंदशहर में खुले में घूम रहे गौवंश को पकड़ने के लिए 31 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान। रास्तों पर घूम रहे 3000 से अधिक बेसहारा पशुओं को भेजा जाएगा गौशाला। पीलीभीत में दहेज नहीं मिला तो दिया 3 तलाक। विवाहिता बोली मारकर लाश गायब करने की देते थे धमकी। 13 आरोपियों पर केस दर्ज। देहरादून में वीजा उल्लंघन के आरोप में 7 बांग्लादेशियों को कैद। डकैती की घटनाओं में हुए थे सभी गिरफ्तार। 2017 में लूटे थे गहने और नकदी। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।